इस प्रोजेक्ट के लिए हमें एक गत्ते के ऐसे पेपर चाहिए, ये किराना के स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा 5 रुपये में। और ऐसे हमें कट कर लेना है और इसे हम डिब्बे के शेप में बनाएंगे। एक मोटर डीसी लेंगे, 4 लाइट लेंगे इस तरह, 1-1 रुपये वाली एलईडी कलर लाइट। एक छोटी मोटर लेंगे हम और एक डीसी बैटरी लेंगे। देन हम एक जो ऑन ऑफ स्विच लेंगे और हम इस पेपर को अच्छे से जोड़कर एक डिब्बादार बनाएंगे। इसको हम लोग साइड में कर देते हैं और चलते हैं, हम शुरू करते हैं। आप लोग देखते रहिए वीडियो कैसे हम बना रहे हैं। आप लोग ऐसे बनाएंगे और इसको हम फेविक्विक से चिपकाएंगे यहाँ पर रखकर, जो हार्ड ग्लू फेविक्विक आती है इससे हम चिपका देंगे, आसानी से चिपक जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। देन हम इस छोटे वाले टुकड़े को भी इस साइड से चिपकाएंगे ताकि हमारे डिब्बे के शेप में बन जाए, और फिर हम यहाँ पर फाइनली चिपका देंगे फेविक्विक से। देन हमारा डिब्बा बन के तैयार हो चुका है, उसको हम ऊपर से भी एक कवर कर देंगे। ऊपर नीचे दोनों से आप कर सकते हैं, बट आप फाइनल बनाने के बाद इस तरह से हमने काट लिया है ऊपर से हम इसको रखने के लिए, और फिर हम यहाँ पर पहले ऊपर रख कर देख लेंगे, नाप लेंगे, और एक छोटी सी पाइप में जहाँ पर ये हमारी डीसी मोटर फिट हो जाए ऐसे लेना है, और इस पाइप को जो है हम लोग डिब्बे के नाप से हम कट कर लेंगे। इसको देख लेंगे हमारा डिब्बा कितना बड़ा है, उसी नाप से हम इसको कट कर लेंगे। तो चलिए हम इसको काट लेते हैं। कट करने के बाद गोलाई से नाप कर आप लोग इसको काट लेंगे, अच्छे से ब्लेड से काट सकते हैं आप लोग। देन आप लोग देख सकते हैं कि आसानी से गोल शेप में कट चुका है, और हमारी पाइप जो है पीवीसी की वो आसानी से इसमें चली जा रही है। फिर उसके बाद हम इसको इस पर रख कर चिपका देंगे फेविक्विक। इसको हम फेविक्विक से अच्छे से चिपका देंगे ऊपर रखकर। एक पोर्शन आप लोग ढक सकते हैं, और ये जो पाइप है आपको दिख रही है पीवीसी की, इसको आप आसानी से कहीं से भी ले सकते हैं, मार्केट में मिल जाएगी 5-10 रुपए की मिल जाएगी, छोटी सी ले लेना। फिर इसके बाद हम लोग ऐसे एलईडी शेप में जो है अपना बना लेंगे, चारों एलईडी रख कर अगल बगल से बीच में थोड़ा जगह छोड़ देंगे जहाँ हम अपनी छोटी मोटर को लगाएंगे। देन हम इसको प्लस माइनस का जो वायर निकलता है इसको हम पैरेलल इसका कनेक्शन करेंगे, आसानी से आप लोग कर सकते। फिर हम इस छोटी मोटर के आगे ये जो पेन का होता है इसके आगे हम पेन का जो रिफिल होते हैं इसको हमने काट के लगा दिया है ताकि हम दूसरी मोटर के इसमें फिट कर सकें। आप लोग कुछ भी लगा सकते हैं जो इसमें आसानी से आ जाए, आपके पास कनेक्टर है तो कनेक्टर लगा देंगे, नहीं तो हम ऐसे लगा देंगे पेन का जुगाड़ से। तो हम देख सकते हैं कि मोटर जो है आसानी से दोनों कनेक्ट हो जा रही हैं। उसके बाद हम अपने बड़ी वाली मोटर में दो वायर निकालेंगे, दोनों वायर का कनेक्शन कर लेंगे इधर से, अच्छे से सोल्डिंग करेंगे ताकि निकले ना, और फिर बड़ा वायर लेंगे थोड़ा ताकि हमारा पाइप जो है इस पार से उस पार चला जाए। फिर हम पीछे से एक गत्ता लगाएंगे कागज़ वाला, एक गत्ता अच्छे से लगा कर चिपका देंगे ताकि हमारा जो पाइप है उसको सपोर्ट मिल जाए और वो ऊपर नीचे ना हो और अच्छे से उस पर सपोर्ट पा जाए। और फिर हम अपनी बटन को साइड में चिपका देंगे डबल टेप के माध्यम से। इसको लगाने के बाद हम अपना एक वायर उधर होल करके पेचकस से उधर निकाल लेंगे और एक वायर बटन में कनेक्ट कर देंगे, और इसका एक वायर बैटरी में कनेक्ट कर देंगे। आप लोग जो दोनों बड़ी वायर और फिर एक छोटा वायर लेंगे, इसको बैटरी में कनेक्ट करके इस साइड निकालेंगे होल से। कनेक्शन आप लोग देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बैटरी का एक वायर इधर बटन में कर देंगे, डबल साइड टेप से हम अपनी बैटरी को अच्छे से चिपका देंगे। डबल साइड टेप अच्छा होता है, एक कागज़ में अच्छे से चिपकता भी है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बैटरी हिले डुलेगी नहीं। देन हम फाइनली इसको जो है इसमें भी डबल साइड टेप लगाकर, और जो हमने अपना प्लेट बनाया है
लाइट का, इसको भी हम चिपका देंगे, बीच में जो धागा छोड़ी है हमने इसमें लगा कर चिपका देंगे। देन हम मोटर को उसमें फिट कर देंगे। कनेक्शन आप लोग देख सकते हैं कि पोर्शन कैसे बन चुका है, लगभग पूरा बन के हमारा अब तैयार है। अब इसको हम ज़रूरत है तो सिर्फ टेस्ट करने की, टेस्टिंग के लिए हम लोग चलते हैं चाहें तो। और अगर आप वीडियो पसंद देखे तो लाइक कर देना। देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा दिख रहा है। अब इसको हम अंधेरे में चेक करेंगे, चलिए देखते हैं अंधेरे में। वाह, आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। अगर आप लोग इसको रूम में लगाएंगे तो आपका पूरा रूम जो है बहुत ही अच्छा दिखेगा। आप लोग इस तरह एलईडी भी खरीद कर लगा सकते हैं, बट जो है अपने हाथ की जो बनाई हुई चीज़ें होती हैं उसमें कुछ और ही अच्छा लगता है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे, बहुत मेहनत लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह हम आपको बहुत ही अच्छे अच्छे और आसानी से सीखने वाली वीडियो देते रहेंगे। धन्यवाद।